वेलकम टू माय चैनल ऑल स्किल प्रैक्टिकल। और हम आप लोग के आज स्पेशल गीजर के बारे में बताऊंगा। और गीजर एक ऐसा हमारा इलेक्ट्रिकल अपरेटस है जो हर घर में होना चाहिए ठंडे के मौसम में, या इसका यूज अलग अलग करते हैं, आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। बट आप इसको अच्छे से देखिएगा, आपको वायरिंग के साथ में इसको प्रैक्टिकल करूँगा और वायरिंग के साथ में ड्रॉइंग भी दिखाऊँगा। कैसे इसका ड्रॉइंग है अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका साइज, इसका डिज़ाइन अलग हो सकता है लेकिन वायरिंग सेम, कोई भी गीजर हो दुनिया में उसका वायरिंग सेम होगा। बट इसका जो फंडामेंटल है इसको हम लोग सीखेंगे कैसे वायरिंग करते हैं, इसको फिट भी करना है, आपको फिट करना भी सिखाऊंगा। मैं सब खोल दिया हूँ, ये देख लीजिए हमारा टब है इसका गीजर का, अलग अलग साइज़ का है। ये हमारा 4 kg 5 kg का आएगा। और ये हमारा पार्ट्स है, आपको पार्ट्स मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। इसको मैं ए टू जेड खोल दिया हूँ, अच्छे से आप देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं करना है। कैसे इसको फिट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम फिट करते हैं और अच्छे से सीखेंगे। ओके, ठीक है, लगे रहिए हमारे साथ। ये देखिए हमारा जो हीटर है, थर्मोस्टेट हीटर बोल सकते हैं या रॉड हीटर बोल सकते हैं, साथ में 2 पाइप भी हैं, इनलेट आउटलेट। तो हम इसको पहले इसमें डालेंगे, इसको आप ख़राब हो जाएगा तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये हमारे पास न्यू है लेकिन बहुत लोग घर में ये ख़राब हो जाता है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं अच्छे से। ध्यान रखिए इसमें वाशर है, जो वाशर को लगे होना चाहिए। तो हम लोग इसको डालेंगे अच्छे से, देखिए इसको हम डालेंगे, डाल के और इसको हम सेट करेंगे। ठीक है, अच्छे से लगे रहिएगा। ठीक है, इसको हम डाल दें अच्छे से, देखिए रहिएगा ये हमारा यस हो गया। और इसको हम अच्छे से बोल्ट के सहायता से इसको हम टाइट करेंगे। ठीक है, कोई भी हमारा बोल्ट है अच्छे से देखिए, इसका वाशर होना चाहिए वाशर, और कोई आप किसी में आप डाल सकते हैं। ये हमारा जो है इसमें 1, 2, 3, 4 जगह है, किसी में 10 है, किसी में 5 है, किसी में 2 होगा, तो आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा। इसको हम टाइट करेंगे पहले, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। मैं 1, 2, 3, 4 इसमें हम बोल्ट को डालकर टाइट करेंगे। अभी पाना लाएंगे, पाना मेरे पास पाना है, इसमें नंबर लगेगा आपको 12 लगता है, 11 लगता है, ये 11 नंबर पाना है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए ध्यान से, इसको हम छोड़ देंगे, याद रखिएगा इसको हम, एक हमारा स्टेट थ्रेड है बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पर साइड सेट करेंगे, इसको हम टाइट करेंगे, अभी टाइट नहीं, मैं बैलेंस ले इसको, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, चारों को मैं बैलेंस ले सेट करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे गीजर को फिट करते हैं। क्योंकि बीच में अंदर में वाशर लगा है ना, वाशर, तो वाशर को अच्छे से सेट करना है ना। ठीक है, ऊपर वाला जो हमारा जो नट है उसमें हमारा लगेगा ये 10 नंबर, इसमें 11 नंबर, ध्यान रखिएगा। इसको टाइट करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, इसमें डालेंगे, उसके ऊपर ये हमारा पॉट बॉडी है, बॉडी में सेट करने के लिए है ताकि हमारा कोई भी वायरिंग करेंगे तो सेफ रहेगा। इसको लगाएंगे पहले, सेट करने के बाद देखिए मैं इसमें लगा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए हमारे दोनों रॉड को हम डालना है, आप किसी में डाल सकते हैं, यहाँ पर डलिए चाहे यहाँ पर डलिए, आप कहीं पर डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये सोचना होगा तो जो आपको सुविधा लगे डालते हैं। आप किसी में डाल सकते हैं, यहाँ पर डालिए या इसको हम यहाँ पर डालेंगे, आप कहीं पर डाल सकते हैं, आपको इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए इसको हम डालते हैं, यहाँ पर डाल दिए, इसको हम यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा जो मैकेनिकल वर्क था काम हो गया, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल पर, इसको हम वायरिंग करेंगे। फिटिंग करना हमारा काम है, फिटिंग कर दिए, अब इसको वायरिंग करेंगे। तो ये रहा देखिए हमारा प्लग, जो प्लग में 3 होता है ना वायर, आपको पता है रेड हमारा जो फेज होता है, ये देखिए हरा है, ध्यान से अर्थ क्लियर होता है, और जो ब्लैक न्यूट्रल। तो हम पहले वायरिंग करेंगे तीनों में से, कैसे वायरिंग करें चलिए। हम सबसे पहले काम करते हैं अर्थ, अर्थ जो हरा, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं बॉडी पर। तो बॉडी पर हम यहाँ पर कहीं पर दे सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम कहीं पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी अंदर दीजिए, बाहर दीजिए, कहीं पर दीजिए, बॉडी पर दीजिए, लेकिन ये प्लास्टिक का पीवीसी का कवर है तो मैं बोलूँगा इसके बॉडी में ही दो, जो तांबा का है, पीतल का है, स्टील का है। ठीक है, तो हम इस पर देते हैं अर्थ पर बॉडी। ओके, ध्यान रखिएगा 3 हमारा वायर था, हरा, ब्लैक, रेड, यही प्लग का तार है, इसी का कवर वाला वायर है, केबल वाला, आप कन्फ्यूज मत करिएगा, इसी का वायर है।
और मैं इसका पहला तार अर्थ का काम किया, मैं पहला वायरिंग अर्थ का किया हूँ। ओके, अब आप क्या करिए, मेरे साथ लगे रहिए। और मैं दूसरा वायर है जो मैं न्यूट्रल का वायर दूंगा, न्यूट्रल कनेक्शन करूँगा। न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कहाँ पर दें, तो आप ये जो हमारा बॉडी है गीजर का, आप ये दोनों पॉइंट जो है हीटर का देखिए, हीटिंग एलिमेंट का दो पॉइंट होता है हीटिंग एलिमेंट का, आप इसको बोल सकते हैं हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग आयरन बोल सकते हो, ये हीटर बोल सकते हैं। तो एरर नहीं है, इसको फिट किया है, इसको हम खोलेंगे, इसी से खोलेंगे, इसमें और इसमें लाइन देना हो। तो न्यूट्रल जो हमारा तार है, ये न्यूट्रल हम इसको दोनों में से किसी एक को दे सकते हैं, इसमें ये किसी को एक दीजिए, तो हम एक देते हैं। ओके, ठीक है। तो मैं दूसरा जो तार है हमारा, जो प्लग का गीजर का जो दूसरा तार है, न्यूट्रल में सप्लाई दे दिया। यहाँ पर देखिए, हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है, इसका एक किसी में से एक पॉइंट में मैं लाइन दे दिया, पहला अर्थ, दूसरा न्यूट्रल। थर्ड में चलते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, मैं वायरिंग कर रहा हूँ। और इसका ड्राइंग भी मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाऊंगा अच्छे से, इसका ड्राइंग है, फर्स्ट क्लास का है, आप मेरा ड्राइंग देखिएगा, समझ लीजिएगा, आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज नहीं होगा, अच्छे से देखिएगा। मैं आपको एक और बात दे रहा हूँ, रॉड में देखिए, रॉड में दो वायरिंग होता है, एक यहाँ पर वायरिंग होता है, ध्यान रखिएगा, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड हम लोग वायरिंग कराएंगे, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। दोनों रॉड में निकाल दे रहा हूँ, देखिए दोनों रॉड है, तो इसमें भी इस साइड और इस साइड, कहीं पर भी कोई भी वायरिंग कर सकते हैं, और इसे आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये जो हमारा तीसरा तार है, फेस तार, लाल वाला, तो पहले मैं क्या करूँगा, सेफ्टी रॉड, जो सेफ्टी रॉड है उसका हम एक पॉइंट से जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको जोड़ रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर से, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, कैमरा सर नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छे दिख रही है, मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ थोड़ा सा और, यस, ठीक है, अच्छे से देखिए, हमारा जो फेस तार है, मैं सेफ्टी रॉड का, जो ये सेफ्टी रॉड है, इसका एक पॉइंट से मैं जोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ से एक तार यहाँ पर जोड़ेंगे और एक तार हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, एक थर्मोस्टेट में हम लोग इंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा मेरा वायर है, वायर में कवर लगा दिए हैं, कॉटन कवर है, आप कवर लगा दीजिए अच्छा रहेगा, तार नहीं गलता है, गलेगा तो कोई आपको हानि नहीं पहुँचाएगा, बिना कवर के भी लगा सकते हैं, लेकिन सेफ्टी में अच्छा है, ये कवर लगा दिए और यहाँ से तार जुड़े हैं, हम यहाँ पर जुड़ेंगे, मतलब थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर यहाँ पर जुड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, और इसका ड्राइंग आप देख के अच्छे से समझ लीजिएगा, नो डाउट, ये रहा, यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ दिए, अच्छे से देखिएगा, यस, यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब एक और वायर लेंगे, ये रेड है या ब्लू कैसा भी हो सकता है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, लेकिन मैं कवर लगा दिया हूँ, थर्मोस्टेट के यहाँ से लाइन देंगे लास्ट वाला पॉइंट से, और रॉड में एक बच गया है, पहले से एक न्यूट्रल दे दिया गया है, अच्छे से देख लीजिए, ये ब्लैक वायर न्यूट्रल दे दिया गया है, तो जो बच गया है इसमें फेज डाल देंगे, तो अच्छे से देखिए, आप बोल सकते हैं सेफ्टी रॉड और थर्मोस्टेट जो वायरिंग होता है सीरीज में, मतलब जो हमारा सेफ्टी रॉड है और थर्मोस्टेट जो रॉड है, दोनों को सीरीज में वायरिंग करते हैं, यहाँ से फेज निकला फर्स्ट में, यहाँ से फेज निकला, फेज निकलते हुए यहाँ पर गया, और हम यहाँ से फेज निकालेंगे और रॉड में देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से थर्मोस्टेट में से वायर निकाले, यहाँ पर वायर निकाल कर, और एक वायर यहाँ से निकाले हैं और हम यहाँ पर देंगे, जो यहाँ पर न्यूट्रल है यहाँ पर फेज देंगे। अब आपको समझना क्या है, हमारा इंडिकेटर, दो इंडिकेटर है गीजर में, कैसे वायरिंग करेंगे, फंडा यहाँ पर ये है, तो फंडा ये है, तो आप समझ लीजिएगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होगा, इसको हम तो अच्छे से देखिएगा आपको कैसे वायरिंग करना है। अब हम करेंगे वायरिंग आपका इंडिकेटर, दो इंडिकेटर है मेरे पास, तो वायरिंग करेंगे, तो इसको हम अच्छे से देखिए, यहाँ पर दो इंडिकेटर है, इसका मैं इंडिकेटर मैं निकाल लेता हूँ, ये हरा वाला है, ये यहाँ से मैं हरा वाला निकाला हूँ, तो पहले मैं हरा का इंडिकेटर वायरिंग कर रहा हूँ, जो हरा वाला इंडिकेटर है मैं वही निकाला हूँ, इसका वायरिंग कर रहा हूँ। ये देखिए इंडिकेटर हरा वाला है, इसमें बहुत आसान है, आपको एक यहाँ पर एक यहाँ पर जोड़ देना है, हीटिंग एलिमेंट का जो दो पॉइंट है, या इसको हम इधर भी कर सकते हैं, एक यहाँ पर जोड़ देंगे, या सोल्डरिंग कर देंगे यहाँ पर, इसको कहीं पर भी जोड़ देना है, आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, नो डाउट, कोई नहीं, आप यहाँ पर अच्छे से इसको जोड़ सकते हैं। ये आपका गर्म पानी जब होगा तो ऑन होगा, गर्म पानी जब हो जाएगा तो ये ऑफ़ भी हो जाएगा,
ठीक है। देखिए अच्छे से, यहाँ पर हम लोग हरा वाला जो इंडिकेटर है वायरिंग हो गया। अब हम रेड वाला करेंगे, यहाँ पर देखिए रेड वाला कट ऑफ। इसका वर्किंग भी मैं बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसे काम करता है, कैसे दोनों ऑफ होता है, कैसे दोनों ऑन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये कैसे चेक करते हैं रॉड को, सेफ्टी रॉड, थर्मोस्टेट मेरा ख़राब है या हीटिंग एलिमेंट ख़राब है, मैं इसको चेक करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट अभी आप मेरे साथ लगे रहिए, रेड इंडिकेटर को वायरिंग करना है। ठीक है, रेड इंडिकेटर मैं निकाल लिया और इसको वायरिंग करेंगे। तो इसमें समझना है, देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, यहाँ पर भी रेड है और इसको मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा रेड इंडिकेटर है। रेड इंडिकेटर मतलब लाल इंडिकेटर। ये देखिए दोनों तार हमारा लाल लाल है और इसमें दोनों हमारा तार ब्लैक था, मतलब ब्लू था। तो इससे मतलब नहीं है, लाल पीला से मतलब नहीं है, हम लोग वायरिंग करते हैं। इसमें से एक तार, कोई भी तार क्या करेंगे हम यहाँ पर दे देंगे, फेज वाला तार जो हमारा थर्मोस्टेट से वायर गया है ना, लाल वाला जो थर्मोस्टेट से वायर जाएगा उसी में देंगे, या यहाँ पर रहेगा या यहाँ पर रहेगा। तो मेरा थर्मोस्टेट का जो वायर है लास्ट वाला यहाँ पर गया है, तो मैं यहाँ पर वायरिंग करूँगा। यदि मेरा तार यहाँ पर रहता तो मैं इसको यहाँ पर देता, तो मैं एक वायर को यहाँ पर दे रहा हूँ, मतलब थर्मोस्टेट को जो जहाँ पर वायरिंग रहेगा मैं वहीं पर दूंगा, तो मैं एक वायर यहाँ पर दूंगा। ठीक है, मैं एक वायर लाल इंडिकेटर के फेज तार में दिया हूँ, थर्मोस्टेट वाला यहाँ पर दिया हूँ। अच्छे से देखिएगा, जो थर्मोस्टेट से वायर गया है ना यहाँ पर, सर जूम कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा थर्मोस्टेट से तार गया है ना उसी में मैं जुड़ा हूँ। यदि यहाँ पर रहता तो मैं वहाँ पर देता, मतलब इसमें हम दिए हैं एक तार यहाँ पर जोड़ दिए, और इसका दूसरा तार कहाँ पर जुड़ना है, सेफ्टी रॉड के दूसरे पॉइंट। ध्यान रखिएगा, सेफ्टी रॉड है यहाँ पर, देखिए एक पॉइंट है, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट। तो दो पॉइंट थर्मोस्टेट, दो पॉइंट सेफ्टी रॉड। तो हम क्या करेंगे, सेफ्टी रॉड के पहले पॉइंट में नहीं, दूसरे पॉइंट में इसका एक लाइन यहाँ से देंगे, यहाँ से एक लाइन देंगे इंडिकेटर का। ठीक है, तो ये हमारा वायरिंग कंप्लीट है, ए टू जेड वायरिंग कंप्लीट है। यदि कोई आपको डाउट लगता है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आपको नहीं समझा हुआ तो आपको बता सकते हैं, मैं आपको समझा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और एक्स्ट्रा आपको बता सकते हैं। हाँ, इसका सेफ्टी रॉड, थर्मोस्टेट रॉड दोनों का टेस्टिंग या हीटर रॉड सबका टेस्टिंग करने के मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, कौन सा खराब है, कौन सा खराब नहीं है, कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। और इसका वायरिंग जो आपको नहीं समझ में आ गया है तो हमसे पूछ सकते हैं, और अच्छे से इसको हम सेट करते हैं। तो हम चलिए इसको हम सेट करके अभी आपको सप्लाई देंगे, लाइन देंगे, लाइन देके इसको चेक करेंगे क्या सही है रॉन्ग, हमारे साथ वीडियो में इसको सेट करेंगे। ठीक है, अच्छे से देखिए इसमें हम इसको सेट करेंगे, यहाँ पर इसको ये धारी में अच्छे से सेट कर देंगे, इसको अच्छे से बैठाना है। ठीक है, तो ये हमारा सेटिंग हो गया, मैं इसमें लाइन दूंगा और लाइन देके चेक करेंगे क्या मेरा वायरिंग सही है नहीं है, या चेक कर सकते हैं यहाँ से भी, हम चेक कर सकते हैं या सही है गलत है, मैं डायरेक्ट लाइन दे रहा हूँ, आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा लाइन दे दिए हैं, अच्छे से देख लीजिए सप्लाई में हम इसमें लाइन दे दिए हैं यहाँ से, और आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, अच्छे से देखिए। और ये मेरा हरा बल्ब जल रहा है, ये कब जलेगा, जब कोई फॉल्ट हो जाएगा तब जलेगा, इसका काम क्या है, सेफ्टी, जब हमारा कोई इसमें फॉल्ट हो जाएगा तो ऑन होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आपको लाइन कट किए, और आपको कोई डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा, नो डाउट।